लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। बॉलीवुड में बहुत सी ऐसी अभिनेत्रियां हैं जिनके अभिनय की शुरुआत तो अच्छी हुई लेकिन पहली फिल्म सुपरहिट होने के बाद धीरे धीरे वे गायब हो गईं। महिमा चौधरी भी उन्हीं अभिनेत्रियों में से एक हैं। इनकी खूबसूरती, टैलेंट और अभिनय करने का तरीका सबसे अनोखा था, लेकिन महिमा ने कुछ फिल्में करने के बाद शादी की और करियर खत्म कर लिया। फिर खबरें आईं कि महिमा शादी के पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थीं, तो कभी खबरें आई कि बॉयफ्रेंड के साथ 6 और पति के साथ 7 साल रही शाहरुख की ये हीरोइन, मगर सच का पता किसी को नहीं लगा। इनके बारे में एक बात फेमस है कि एक समय में इन्होंने सुभाष घई को भी डेट किया था, लेकिन महिमा ने इस बात को महज एक अफवाह ही बताया था। महिमा चौधरी का जन्म 13 सितंबर 1973 को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हुआ था। इनके पिता इंडियन और मां नेपाली थीं, मगर शादी के बाद वे दार्जिलिंग में ही रहने लगे। महिमा चौधरी बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस थीं। उनका असली नाम रितु चौधरी है, लेकिन सुभाष घई ने अपनी फिल्म परदेश में कास्ट करने से पहले उनका नाम बदल दिया था, क्योंकि उन्होंने उनका नाम उनकी खूबसूरती की वजह से रखा था। एक समय था जब महिमा ने टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस के साथ करीब 6 सालों तक अफेयर में रही। ऐसा भी कहा जाता है कि पेस के चक्कर में ही महिमा ने अपना फिल्मी करियर खत्म कर लिया था, हालांकि बाद में उनका ब्रेकअप हो गया। इसके बाद महिमा ने बिजनेसमैन बॉबी मुखर्जी से शादी कर ली थी।